क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर भारत के नागरिकों के लिए पाबंदी है? सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत के नागरिक को भारत में ही पाबंदियां झेलनी पड़े। लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, हम कह रहे हैं कि भारत में कुछ ऐसी जगह है जहां पर भारत के नागरिकों को भी जाने की अनुमति नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, परंतु यही सच है। आज आपको ऐसी कुछ जगहों के बारे में बताएंगे जहां केवल भारतीय होने की वजह से एंट्री नहीं मिल पाती, जबकि उन जगहों के मालिक खुद भी भारतीय हैं। सबसे पहली जगह है रेड लॉलीपॉप हॉस्टल चेन्नई। यह बैकपैकर हॉस्टल चेन्नई के मंडावेली में स्थित है। यहाँ भारतीयों को इजाजत अंदर घुसने की नहीं दी जाती है। यहाँ सिर्फ उन लोगों को ही रहने की इजाजत है जो इनके पास विदेशी पासपोर्ट होता है। यानी कि इस हॉस्टल में सिर्फ वही भारतीय रुक सकते हैं जिनके पास एक विदेशी पासपोर्ट हो, अन्यथा भारत के बाकी नागरिकों के लिए इस जगह में सख्त रूप से नो एंट्री है। ऐसी दूसरी जगह है फॉरनर्स ओनली बीच गोवा का। गोवा में कई बीचेस हैं। गोवा में ऐसा एक निजी बीच है जहां पर भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ के बीच मालिकों का तर्क है ऐसा वह बिकिनी पहने विदेशी पर्यटकों को छेड़खानी से बचाने के लिए करते हैं। गोवा के अंजुना बीच पर आपको भारतीय नजर नहीं आएंगे। हालांकि इन बीचों की रखवाली गोवा के स्थानीय लोग ही करते हैं, परंतु ये देशी पर्यटकों के लिए जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं होती है। और ये हैरानी की बात है क्योंकि गोवा एक ऐसी जगह जो इंडिया में भी सबसे फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट्स में से गिना जाता है, वहाँ एक ऐसा बीच है जहाँ भारतीयों को जाने की अनुमति सिर्फ इस कारण नहीं है क्योंकि बीच के मालिकों को ये डर है कि वहाँ आने वाले फॉरेनर्स को लोग छेड़ सकते हैं। लिस्ट में तीसरी जगह है नोरबुलिंका कैफे धर्मशाला। धर्मशाला की सुंदर मोनास्ट्रियों और हरियाली के बीच स्थित नोरबुलिंका कैफे किसी सुकून के घर से कम नहीं लगता। लेकिन ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारतीय नागरिकों को आना सख्त रूप से मना है। इस धर्मशाला में भारतीय नहीं जा सकते। हालांकि ये बेहद खूबसूरत है और बिल्कुल घर जैसा ही लगता है, लेकिन अगर आप भारतीय हैं तो आपके लिए यहाँ पर नो एंट्री है। लिस्ट में चौथा नाम है रूसी कॉलोनी का, जो कि कुंदनकुलम में है। यह कुंदनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के पास एक आवासीय कॉलोनी है। यहाँ आपको बता दें कि भारतीय लोगों को इस कॉलोनी में प्रवेश करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी कॉलोनी रूसी लोगों से भरी है जो कि पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, इसीलिए भारतीयों को यहाँ जाना मना है। इस नो एंट्री वाली लिस्ट में पांचवा नाम है सकुरा रयोकान रेस्टोरेंट अहमदाबाद का। अहमदाबाद के इस जापानीज रेस्टोरेंट में केवल जापानी लोग को ही अनुमति दी जाती है, जबकि यहाँ का मालिक भारतीय है। उसके बावजूद भी भारतीय नागरिक इस रेस्टोरेंट में कदम नहीं रख सकते। लिस्ट में छठा नाम है ब्रॉडलैंड होटल, जो कि चेन्नई में है। चेन्नई में स्थित ब्रॉडलैंड होटल फिरंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस होटल में सख्त नो इंडियन पॉलिसी है। यहाँ केवल वही लोग रुक सकते हैं जिनके पास एक विदेशी पासपोर्ट हो। इस लिस्ट में आखिरी नाम है पौंडीचेरी का फॉरेनर्स ओनली बीच। पौंडीचेरी में भी कुछ ऐसे बीच है जहाँ सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स की एंट्री है। इन्हें फॉरेनर्स ओनली बीच कहा जाता है। यहाँ भारतीय सैलानियों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे लाइव सिटीज के लिए गोविंद की रिपोर्ट। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।